वेलकम बैक टू माई चैनल राधे शबनम पर। और आज भाई दूज है। आपको सबसे पहले भाई दूज की हार्दिक शुभकामनाएं। अभी टाइम हो रहा है 8 बज गए हैं अभी सुबह के, तो मैं 7:30 बजे उठी थी। तो अभी जस्ट मैं सोच रही हूँ कि मैं घर का काम कर लूँ, उसके बाद मैं आपसे मिलती हूँ। तो आज मैं भाई दूज पर ब्लॉग बना रही हूँ, क्योंकि आज मैंने अपने घर पर जाना है मायके। तो मैं सब पूरा अपना आपको बताऊंगी, एंड चलो बनी रहेगा ब्लॉग में। तो थोड़ा सा काम वगैरह कर लूँ, फिर उसके बाद आपसे मिलती हूँ। तो गाइज अभी मेरे हस्बैंड सो रहे थे, तो इसलिए मैंने बेडशीट वगैरह कुछ चेंज नहीं की। और ये मैं नीचे से ही मैंने सोचा झाड़ू लगा देती हूँ, क्योंकि जिस दिन छुट्टी का दिन होता है वो थोड़ा लेट उठते हैं। तो फिर मैंने ब्लैंकेट वगैरह उठा लिए और वहाँ पर मैंने झाड़ू लगा दिया। फिर उसके बाद फिर से मैंने उसको झाड़ू लगाने के बाद वहाँ पे ब्लैंकेट जहाँ जहाँ पे मैंने ब्लैंकेट वगैरह डाले हुए थे वहीं पे वापस मैंने फिर से डाल दिए। और क्रिस्टी को मैंने बाहर निकाल दिया था, क्योंकि जब झाड़ू लगाओ तो फिर लगाने नहीं देती है वो, तो इसलिए। और फिर इसके बाद मैंने मम्मी वाले रूम में भी अच्छे से सफाई कर दी। यहाँ पर मम्मी तो उठ चुके थे, तो बेडशीट वगैरह चेंज कर दी। मम्मी खाना बना रही थी, मैंने झाड़ू पोछा कर दिया। तो उसके बाद मैंने झाड़ू वगैरह लगाया, सारा ख़त्म कर दिया है। तो अभी मैं नहा के फ्रेश होके आपके साथ फिर मिलती हूँ। तो अभी मैं नहा के फ्रेश हो गई हूँ और मैंने कपड़े चेंज कर लिए हैं। अभी मैं गेट रेडी विथ मी शूट करने जा रही हूँ। ये सारा मैंने मेकअप का सामान रखा हुआ है और मेरे हस्बैंड भी अभी उठ चुके हैं, तो मैं आपको बताती हूँ। ये देखो यहाँ पर ये उठ चुके हैं अभी। तो मैं अभी रेडी होके फिर आपके साथ मिलती हूँ, तो बनी रहेगा ब्लॉग में। गाइज अभी मैं रेडी हो चुकी हूँ और देख सकते हो ये मैंने ये वाला सूट वेयर किया है, कुछ नीचे से ऐसा है। तो अभी इसका मैंने गेट रेडी विद मी भी शूट किया है, तो उस वीडियो को भी ज़रूर चेकआउट करना आप। क्या पता इससे पहले आ जाए कि बाद में आ जाए। तो अभी मेरे हस्बैंड हैं जो वो शेव वगैरह करवाने गए हैं, तो उस वो आते हैं तो फिर हम निकल जाएंगे। तो मैं रेडी हो चुकी हूँ, तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना कि मैं कैसे लग रही हूँ। तो चलो फिर बनी रहेगा ब्लॉग में, मैं आपको पूरा ब्लॉग दिखाऊंगी आज कि हमने क्या क्या किया। ओके फिर हम निकलने लगे हैं और ये देखो मम्मी खाना खा रही है। तो मम्मी हाय कर दो सबको ऐसे करके, करो जाओ। निकलेंगे हम अपने ससुराल के लिए, जहाँ इसके भाई इसका इंतजार कर रहे हैं बहुत देर से। बनी रहेगा हमारे साथ ब्लॉग में। तो हम अभी जा रहे हैं, तो ये देख सकते हो ये बहुत सुंदर लग रहे हैं आज। और ये देख सकते हो अभी ये हमारी किस्ती बहुत फैंसी है, मॉडर्न है। ये शीशे में अपनी शक्ल देखती है कि मैं कैसी लग रही हूँ। और ये देखिए कि ये कहीं जा रहे हैं, थोड़ी सी बेचारी मायूस हो गई है। तो गाइज अभी हम घर से निकल चुके हैं, तो मैंने सोचा चलो मैं आपके साथ यहाँ का एरिया अपने वहाँ का एरिया थोड़ा सा शूट करके आपको बताती हूँ। ये देख सकते हो कितना अच्छा व्यू है यहाँ पे, खेत खेत है ये, और ये छोटी सी तवी बोल सकते हो इसको, वो है। तो ये पुल से हम निकल गुजर रहे थे, तो मैंने सोचा चलो मैं आपके साथ शेयर कर देती हूँ कि हमारे का यहाँ का एरिया ऐसा है। और अभी कटाई वगैरह का काम चल रहा है, आधे खेत तो खाली हो गए हैं, आधी अभी कटाई चल रही है। तो यहाँ से मैंने ली मिठाई वगैरह, तो उसके बाद हम ये हमारे घर पे पहुंच चुके हैं मेरे मायके में। अब सबसे मैं लवाती हूँ मैं। तो गाइस अभी मैं घर पे पहुंच चुकी हूँ। ये है मेरे मामू का बेटा राहुल, और मैंने इससे मिलवा रही थी आप सबको। और ये है मेरी दूसरे नंबर वाली दी है जो अखनूर, उनकी शादी हुई है, ये उनकी बेटी है, बहुत क्यूट है, इसका नाम है प्रेशु। और मैं इसको हाय करने के लिए बोल रही थी, तो ये देखो आपको हाय कर रही है। और ये है मेरा भाई अमन, ये हमारी श्रुति, ये नबू एंड शवि है ये, और ये मेरी बड़ी दी के बच्चे हैं, ये मेरी भाभी हैं। तो ये मेरा छोटा भाई है तीसरे नंबर वाला, जो मेरा बड़ा भाई है वो काम पर गया हुआ था। तो ये मेरी बड़ी दी है, जिनके वो बच्चे मैंने आपको बताए बड़े बड़े जो थे। तो जो श्रुति है वो मेरी बड़ा भाई है, उसकी बेटी है। तो ये मेरी दीदियाँ यहाँ पे बोल रही है कि आप इसका चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करना एंड वीडियो को लाइक करना। तो मैं हंस रही थी। ये मेरे बड़े पापा है, ये बूजी है मेरी, एंड ये है बड़ी मम्मी। ये मैं अपनी मम्मी से भी आपको मिलवाऊँगी, मैं यहीं पर रहती थी अपनी बड़ी मम्मी के पास। और ये मेरी फर्स्ट जो बड़ी दीदी, इस दूसरे नंबर वाली दीदी है जिसकी बेटी प्रिशु है, इनकी शादी अखनूर हुई है। हेलो जी, कैसे हो? तो गाइस भैया दूर सभी को। तो गाइस ये मेरी सबसे बड़ी बहन है, ये इसकी बेटी है।
शबी और शबी हाय कर दो कोई ये लड़का ना अपने मामू के साथ है ना कॉल निकाल रहा है देख सकते हो गाइस इसको अनलाइक कर देना इसको बिल्कुल लाइक नहीं करना। दीदी जाने की तैयारी कर रहे हैं प्रिशु को रेडी कर रहे हैं और ये बैठे हुए हैं कोल्ड ड्रिंक वगैरह पी रहे थे और उसके बाद अभी मेरे मम्मी पापा आ चुके हैं तो ये मेरी मम्मी है और ये है प्रिशु ये रेडी हो चुकी है अभी ये आने की तैयारी करी मम्मी बोल रहे थे कि हम आए हैं और ये जा रही है तो ये सभी को बाय बाय कर रही थी। तो गाइस अभी हमने तिलक वगैरह लगा लिया था तो उसके बाद ये मेरी दीदी दोनों भाइयों के साथ ऐसे थोड़ी सी मस्ती कर रही थी अभी ये इन्होंने चले जाना था तो हमने रहना था तो जो मेरा बड़ा भाई है वो काम पे गया था उसने रात को आना था तो उसको मैंने अगले दिन तिलक लगाया क्योंकि दोपहर को 2 बजे से ले कर अगले दिन 11 बजे तक का मुहूर्त था तिलक वगैरह लगाने का। तो देखो ये भी गाइस बिना बोलने की ये आप सबको हाय कर रही है ये बहुत अच्छी लगी है। अब ये फ्लाइंग किस करेगी फ्लाइंग किस करके बता दो फ्लाइंग किस ऐसे ये भाई अभी बस करो इतना हाय नहीं करते हैं। गाइस यहाँ पे मेरी दीदी जो है घर पे जा रही थी इसको रोना आ रहा था ये पहले रोने की एक्टिंग कर रही थी बाद में जाते जाते रोते गई और मम्मी भी थोड़ी सी इमोशनल हो गई थी क्योंकि मम्मी बीमार थे तो ये ज़्यादा दिन 1 हफ्ता रह के जा रहे थे घर पे तो तभी ये आज हम आए तो ये घर पे जा रहे थे तो ये थोड़ी सी इमोशनल हो गई थी। और ये है मेरे जीजू इनके हस्बैंड गाइस ये है मेरे पापा और ये भी खाना खा रहे थे ये दीदी भी अभी खाना खाने लगी है और ये है मेरे बड़े जीजू और ये दोनों हस्बैंड भाई बैठे हुए हैं जीजू ने खाना खा लिया अभी दीदी खाना खा रहे हैं। तो अभी ये बाहर आ चुके हैं दीदी का मन नहीं कर रहा था जाने का जीजू इसको ज़बरदस्ती लेके जा रहे थे और ये हमारी मासी भी आ गई हैं तो इनकी बेटी की भी शादी हुई थी तो ये जीजू चले गए उसके बाद ये हम सभी प्रिशु को लाड वगैरह कर रहे थे तो सबकी जो हेती है हमारी प्रिशु और ये देखो अभी दीदी भी चले जाएगी उसके बाद तो दीदी का बिल्कुल भी मन नहीं था जाने का फिर भी उनको जाना पड़ा क्योंकि उनके ननंद आए थे। ये मेरी मम्मी और ये मेरी मासी भी मिल रहे थे आपस में और उसके बाद ये जीजू ने श्रुति उठाई थी तो मैं इसको बोली थी हाय कर ये कुछ नहीं ये कुछ भी देखती है उसको खाने लगती है। मेरी बड़ी वाली दीदी भी जा रहे हैं ये सभी बैठ गए हैं तो ये भी जा रही थी ये भी बेचारी रोते रोते गई और ये दोनों चले गए विजयपुर में इनकी शादी हुई है वहाँ पर चले गए अपने घर पर। मैं आ गई अपने नहंद के घर के इनकी बहन के घर पे तो जो मेरे मामू की बेटा है उनकी वाइफ है मेरी भाभी वो मेरी नहंद लगती है तो अभी हम उनके घर पे आए हैं ये इन्होंने अपनी बहन के घर पे अपनी बहन से मिलना था और मुझे भी अपनी भाभी से मिलना था तो अभी हम उनके घर पे आ गए हैं। तो उसके बाद ये है स्टैमी और ये है अंशु तो अंशु को मैं बोल रही थी हाय कर दे सबको तो ये सभी सोए हुए थे तो अभी टाइम 3-4 बज रहे थे तो इस टाइम को ये सोए हुए होते हैं तो ये सभी सोए हुए थे तो मैं इनको आके मैंने जगा दिया इनको। तो गाइस ब्लॉग काफ़ी ज़्यादा लंबा हो रहा था इसके मैंने 2 पार्ट बनाए हैं एक पार्ट इसमें देख लेना जो मैंने भाई दूज का जो तिलक वगैरह लगाया है वो दूसरे पार्ट में आएगा तो उसको भी ज़रूर चेकआउट करना है। और ये है तंशु और स्नेहा भी सोई हुई थी उसकी मम्मी भी सोई हुई थी मेरी भाभी तो अभी ये भी उठ जाएंगे सभी। तो ये इन्होंने रखी हुई है छोटी सी पैट रखा हुआ है इन्होंने बहुत ही ज़्यादा सुंदर है ये। यहाँ पे मैं अंशु और उसके मामू ऐसे थोड़ा सा मस्ती कर रहे थे तो हमने कोल्ड ड्रिंक वगैरह पी और उसके बाद हम बाहर आ गए बैडमिंटन खेलने के लिए तो हमने बच्चों के साथ ये बैडमिंटन खेला तो ये थी स्नेहा तो जो मेरी ननंद की बेटी है और मेरी भाभी की बेटी भी है। और गाइस तो ब्लॉग बहुत ही ज़्यादा लंबा हो रहा था इसलिए मैंने 2 पार्ट बना लिए तो जो तिलक वगैरह मैंने किया है वो नेक्स्ट ब्लॉग में आएगा उसे भी जाके ज़रूर चेकआउट करना और अपनी फ्रेंड एंड फैमिली के साथ शेयर ज़रूर करना मेरी वीडियो को लाइक करना कमेंट सेक्शन में कमेंट करना कि ये ब्लॉग आपको मेरे कैसे लगते हैं। तो चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में ओके बाय बाय।